अगर आप गाइस मेरे चैनल पे नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस मैं आज पहुंच चुका हूं उड़ीसा में, और आपको तो पता ही है मैं कल से उड़ीसा में हूं, और यहां पे गाइस बहुत कुछ देखने का है, बहुत कुछ अनुभव मुझे नया हुआ है। यहां से गांव का नजारा आप देख सकते हो कितना सुंदर है, और दोनों साइड मेरे मिट्टी का घर है। मैंने अपना बाइक यहाँ पार्किंग कर रखा है और दोनों साइड मिट्टी का घर है, और कितना सुंदर लिखा है देखो, पिंकी वेड्स सिवू। और यहाँ पे और भी बहुत कुछ है, और यहाँ पे एक दादी भी है, भलोची। हाँ, तो गाइस लैंग्वेज प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे बंगाली आता है और हिंदी आता है, और इनको बस खाली उड़िया आता है। बंगाली हिंदी समझ में आता है? नहीं आता है, खाली उड़िया। उड़िया बुझू छोन, समझी छोन, मुई भी टिके टिके उड़िया बुझू छोन। बोली नहीं पड़ता, सही बात है। देखो आंटी कितनी अच्छी है, मेरे से इतना बात की। और देखो गाइस यहाँ का नजारा और यहाँ का धूप का आप अनुभव लो। गाइस तो बहुत मजा आ रहा है, वीडियो के साथ बने रहिएगा, और भी बहुत कुछ है। फिलहाल तो मैं अभी खाना खाने जा रहा हूँ, और खाने में क्या है वो तो आपको मैं जरूर दिखाऊंगा। तो खाना खाने के बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ पे देसी चिकन है और कांसा का प्लेट है, आप देख सकते हो बहुत भारी है ये प्लेट। यहाँ पे दिया गया है मुझे दाल। मुझे यही एक चीज पसंद आया कि यहाँ पे साल पत्ता के अंदर दे रहे नमक और मिर्चा। टेस्ट एकदम जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि मुझे भी पता गांव का खाना कैसा होता है। यहाँ दीदी दे रही है, देखिए खाना। यहाँ पानी भी है, गिलास भी देख लो गाइस, गिलास भी देख लो। बाप रे बाप रे बाप, बहुत भारी है। हम लोग जाते वक्त इससे मिलने आए, और ये देखो छोटू, छोटू आओ आओ। अरे दे 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 छोटू, देखो कितना स्वीट है गाइस, कितना स्वीट है, देखो एक बार। वहां से हम लोग माता जी का आशीर्वाद ले लिए, और यहाँ से हम लोग जस्ट निकलेंगे क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। और यहाँ पे हम लोग का ऑडियंस देखिएगा, इसे यहाँ भैया है, भाभी है, यहाँ एक छोटा बच्ची है, देखिए कितना क्यूट है क्या। और इसको देखिए क्या खा रहा है, हमड़ा। तो गाइज हम लोग यहाँ से बस अभी निकलने वाले हैं, क्योंकि बहुत देर हो चुका है और हम लोग को घर भी पहुँचना है। बहुत ज्यादा दूर है यहाँ से अपना घर, 150 किलोमीटर का रास्ता अपने को तय करना है अभी, और यहाँ तक तो आ गए हैं। और भाभी फिलहाल मंडे को आने वाली है, तो चलिए कम से कम जो काम से आए थे वो काम पूरा हो गया। यहाँ का रोड देख लो एक बार, थोड़ा सा कीचड़ है, और मैंने अपना गाड़ी यहाँ पे पार्क करके रखा है। तो गाइस देखो वहां से ये लोग दोनों मुझे छोड़ने आए हैं। दो भाई, क्या नाम हो गया भाई? सुशांत। और तुम्हारा? शक्ति। और यहाँ से अपना सफर शुरू होता है गाइस, तो सफर के साथ बने रहिए क्योंकि सफर एकदम हम सफर टाइप का बनने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। वहां से तो मैं निकल चुका हूँ, और यहाँ पे आपको आके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा एक चीज मुझे मिला है, आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा क्योंकि मैं पहुंच चुका हूँ, देखो वाटरफॉल में मैं पहुंच चुका हूँ। तो गाइस देखो एक बार देख लो, यहाँ पे वाटरफॉल है, और यहाँ पे शंभू शंकर भोलेनाथ का मंदिर है। तो गाइस मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के कि यहाँ शंभू शंकर भोलेनाथ का मंदिर है। फिलहाल तो यहाँ देखो ताला लगा हुआ है, ग्रिल के बाहर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और देखो गाइस देखो देखो देखो, ये शंभू शंकर जी का मंदिर है, और ये पूरा चट्टान है गाइस। ये ऊपर जो आप देख रहे हो, ऊपर का जो बेस है, ये पूरा चट्टान है, मतलब पहाड़ी के नीचे ये मंदिर बना हुआ है। और वो तो गाइस अब यहाँ का वाटरफॉल देखो, एक बार वाटरफॉल देखो, और नॉइज इधर बहुत ज्यादा है तो मुझे चिल्ला के बात करना पड़ रहा है गाइस। और वाटरफॉल देखो, अचानक से मुझे ये मिल गया यहाँ पे, दिल तो एकदम मेरा पूरा पानी पानी हो गया। और वाटरफॉल देखो गाइस, नहाने का तो बहुत मन कर रहा है, इसको देख के मुझे नहाने का मन कर रहा है। तो चलिए मैं आगे से आपको दिखाता हूँ इसको, इतना अच्छा लग रहा है, ऊपर से झरझर करके पानी गिर रहा है, और यहाँ से वो पानी बहते हुए आगे की तरफ जा रहा है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ से झरना देख के मैं निकल चुका हूँ, और
पीछे मेरे झरना है आप देख सकते हो, और यहाँ से मुझे मतलब ऐसा नहीं लगा था कि मुझे यहाँ पे आके झरना वगैरह कुछ मिलेगा, मगर मिल गया। चलिए, मेरा किस्मत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और मैं फिलहाल नीचे की ओर जा रहा हूँ और आगे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो गाइस फाइनली मैं कुइडा गांव तक पहुंच चुका हूँ। हालत देख लो एक बार, पूरा थक गया हूँ, चोर हो गया हूँ, और मेरा बाइक मैं वहाँ पे पार्क करके रखा हूँ। आप देख सकते हो ये दोनों के बीच से, और बारिश हो रहा है देखो इतना ज्यादा। कमर पकड़ लिया, सबसे बड़ा बात है कमर पकड़ लिया, क्योंकि बहुत देर से मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, और रोड तो इस वाले जो जब हम लोग जाने के टाइम पे जो रोड था वो रोड से हम लोग आए नहीं। हम लोग कुछ सोचे कि शॉर्टकट होगा, ये रोड से आएंगे, लेकिन शॉर्टकट तो यार दिमाग खराब कर दिया, इतना भयानक रोड है। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, मिलूंगा आपसे कल किसी नए दिन और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए सब अच्छे से रहिए, गुड नाइट।